मैं तो एक मजरे छोटे गांव की हूँ, हम लोग तो कभी सपने में नहीं सोची थी, लेकिन जब जिस दिन 25 अक्टूबर को माननीय नरेंद्र मोदी जी मेरे गांव की सराहना के मेरा नाम लिए, उस दिन मुझे बाद में पता चला, टीवी न्यूज वाले सब मेरे यहाँ आ गए जब बताए तो मुझे पता चला, मुझे तो पता नहीं चला कि टीवी में आ रही हूँ। इतनी खुशी हुई मुझे कि खुशी के आंसू आ गए हैं, कभी सपने में नहीं सोची थी कि इस मुकाम तक पहुँचूंगी। मैंने भी मोदी जी की प्रेरणा को लेकर के अपने गांव स्वच्छ, मेरा गांव स्वच्छ भारत स्वच्छ का अभियान चलाया, और मोदी जी से मेरी बात हुई तो उसके बाद जो है मोदी जी ने कहा अपने मन की बात कैसे रखा, तो मैंने कहा जब आपने स्वच्छता मिशन को लेकर के मन मेरे मन की कह दी तो इसलिए मैंने अपने गांव के स्वच्छ अभियान का नाम मन की बात स्वच्छ अभियान गुप्त कैसे रखा। ये मुझे विश्वास था कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो अवश्य जब मोदी जी ने मेरा नाम लिया तो मैंने जो काम किया था उसको जो है चार चांद लगे और मेरा मनोबल बढ़ गया। इसी तरह से पूरे भारत में कार्यकर्ता की अगर जिस व्यक्ति ने पूछ कर दी तो भारत एकदम समृद्ध और सुशासन युक्त होगा। जब 2015 में मोदी जी ने कहा कि ये ब्रेन गेन है, तब से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और हमने पूरा मॉडल बनाया। तो हमने सोचा कि जो स्मार्ट भारत है उसका सपना तभी पूरा होगा जब हमारे गाँव जो है वो स्मार्ट बनेंगे, और ये बात मोदी जी तक पहुंची और उन्होंने मन की बात में इसका उल्लेख किया, और तब से हमारी जर्नी जो है ये जर्नी इंडिया लेवल पे चली गई है, और आज हम लोग बहुत हर्ष से बोलते हैं, गौरव से, कि हम 100 गांव में ये मॉडल को रिप्लिकेट कर रहे हैं।